नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे मिर्च में पत्ता मुड़ने वाला जो बीमारी होता है जिसको हम लोग लिपकाल वायरस बोलते हैं और उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, तो सबके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये आता कैसे। तो ये किसी एक कारण से नहीं आता है, ये विभिन्न कारण से आता है, जैसे कि माइट, थ्रिप्स, एफिड, वाइट फ्लाई। तो हम लोग इसको पहचाने कैसे कि इसमें माइट लगा है कि इसमें थ्रिप्स लगा है। देखिए, थ्रिप्स के कारण में जो होता है वो ऊपर की तरफ पत्ते मुड़ जाता है, और माइट्स के कारण में जो होता है वो पत्ता नीचे की तरफ मुड़ जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये बीमारी कैसे आता है और किसान को कैसे पता चलता है। तो पत्ते के नीचे ये थ्रिप्स और माइट रहता है। तो इस थ्रिप्स और माइट का काम होता है पत्ते का जो रस होता है उस रस को चूसना। तो जैसे पत्ते का रस को चूसता है तो पत्ते धीरे धीरे मुड़ जाता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो तब किसान को पता चलता है कि इसमें माइट और थ्रिप्स लगा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस बीमारी कौन कौन फसल में लगता है। तो ये सब प्रकार की फसल में, जैसे कि टमाटर, बैंगन, उसके बाद आलू, विभिन्न फसल में लगता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें ही लगता है, यानी मिर्च में सबसे ज़्यादा लगता है। उसके बाद अगर हम लोग इसका कंट्रोल कैसे किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले जिस जिस पौधों में ये बीमारी लगा है उसको उखाड़ के कहीं दूर में फेंक देना चाहिए या फिर उसको जला देना चाहिए। उसके बाद हम 3 से 4 दवाएं बता रहे हैं, बाज़ार में जो भी आप लोगों को मिल जाएगा वही लेके स्प्रे कर दीजिएगा। कोई भी दवाई, एक दवाई लेके स्प्रे कर दीजिएगा। तो जैसे कि फर्स्ट दवाई हम बता रहे हैं, एक नंबर में रोगार नाम का एक दवाई मिलता है बाज़ार में, जो कि उसका टेक्निकल है डाइमेथोएट 30% EC। तो इसका डोज कितना है, तो इसका डोज है 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। तो ये रोगार, ये डाइमेथोएट 30% EC 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। 2 नंबर में जो दवाई है वो दवाई का नाम है कॉन्फिडर। कॉन्फिडर ये इमिडाक्लोरोपिड 17.8% SL फॉर्म में आता है, यानी 1 ml पर 3 लीटर पानी में इसको मिलाकर स्प्रे करना चाहिए, ये कॉन्फिडर दवाई। उसके बाद 3 नंबर में जो दवाई है ओबेरम। तो ओबेरम ये इसका टेक्निकल क्या है, इसका टेक्निकल है स्पायरोमेसोफेन, इसका टेक्निकल है। तो ये बाज़ार में ओबेरम नाम पे मिलता है ये दवाई, और ये काफ़ी पॉपुलर दवाई है। तो इसका डोज की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका डोज 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए, यानी 2 ml 1 लीटर पानी में। तो अगर आप लोगों का 15 लीटर का टंकी है तो 30 ml एक टंकी में हो जाएगा, उसको मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। तो ये रहा पत्ता मुड़ने वाला जो बीमारी होता है, इसके बारे में फुल डिटेल्स में जानकारी